हेलो, मीशो सपोर्ट टीम एंड ई कॉम एक्सप्रेस सपोर्ट टीम, मुझे ये पार्सल कल इवनिंग में मिला था और जो बंदा पार्सल रिटर्न देने के लिए आया था और उसने हमसे मेरे से ओटीपी ली और मैंने उनको ओटीपी देते वक्त ये कहा था कि पार्सल पूरा है या नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा था इसमें जो वजन है कुछ भी नहीं है और मैंने उसको बोला कि इसके अंदर कम है, तो उन्होंने बोला कि आप इसका वीडियो बना करके और आप क्लेम करो और वीडियो बना करके मेल करो डालो। मैंने उनको बोला कि देखो, मैंने पहले भी पार्सल के लिए वीडियो बना करके डाला था लेकिन कोई भी क्लेम मीशो पे पास नहीं होता ना, तो ई कॉम एक्सप्रेस वाले हमें देते हैं। तो सभी मीशो सेलर्स को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि ये जो रिटर्न पार्सल देने के लिए जो डिलीवरी बॉय आते हैं, ये लोग ओरिजिनल पार्सल के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ये पार्सल दिख रहा है पूरा टेम्पर्ड है और इसमें अलग प्रकार का टेप लगा रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो गायब है। तो मैं आपको अनपैक करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं सभी मीशो सेलर्स को बताना चाहता हूँ कि आप सावधान रहें। मैं आपको बता दूं कि ये पार्सल, ये जो पैकिंग है, ये ओरिजिनल पैकिंग है, ये मेरे यहाँ से जो पैकिंग आया था वही है, बट ये टेम्पर्ड है और ये लोग जो है इसमें से प्रोडक्ट को निकालते हैं। मैं अब इसको अनपैक करके मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें उन्होंने क्या किया है इसके साथ छेड़छाड़, और मुझे यकीन है कि इसमें से प्रोडक्ट को ये डिलीवरी बॉय या तो हब वालों ने इसमें से निकाल रखा है। देखते हैं, इसके अंदर में 4 पीस ब्राउन कलर के टेप गए थे और जो आया है वो क्या है मुझे नहीं मालूम। ये तो हमारा बिल साथ में गया था, ये बिल है, और इसमें 4 पीस टेप की जगह पर इन्होंने 3 टेप रोल निकाल लिया और 1 टेप रोल हमें वापस किया है। तो ऐसे ये चीटिंग करते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट को निकाल देते हैं फिर और मिसिंग प्रोडक्ट या शॉर्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट को सेलर्स को वापस लौटाते हैं और इससे सेलर्स को काफी नुकसान होता है। तो सभी मीशो सेलर्स आप सावधान हो जाएं, क्योंकि मैंने काफी लोगों के कमेंट मैंने देखे थे जो प्रीवियस वीडियो हमने डाले थे, तो उसमें काफी लोगों ने बताया कि ये बहुत ही डिलीवरी बॉय या लोकल हब वाले ऐसी कारिस्तानी करते हैं जिससे काफी सेलर्स को नुकसान हुआ, काफी सेलर्स मीशो से क्विट कर चुके हैं और मैं भी थोड़ा दिन और देखूंगा और मैं मीशो पे सेल करना बंद करूंगा। थैंक यू।